हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज है 24 मार्च 2022 और आज इस वीडियो थोड़ा सा ऑपोजिट होने वाला है, क्योंकि अभी तक मैं ज़्यादातर वीडियो में आपको बाई करने का रिकमेंडेशन देता हूँ, बट इस बार बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा बल्कि सेलिंग का रिकमेंडेशन दूंगा। कुछ ऐसे 6 शेयर है जिसके अंदर बढ़िया मौका है दोस्तों सेल करके निकल जाने का। कौन सा लेवल पे सेल करना है, कौन सी कंडीशन पे आपको सेल करना है और इसके पीछे प्रॉपर रीज़न क्या है, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। हो सकता है कि आप मेरे साथ डिसएग्री भी कर सकते हो, बट ये कम्प्लीटली मेरा पर्सनल ओपिनियन है। पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखना, सारे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा, तभी जाके आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन समझ आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से शेयर यहाँ पे मैं आपको कौन कौन सी लेवल पे क्या क्या रीज़न की वजह से सेल करने का राय दे रहा हूँ। तो सबसे पहला शेयर है हमारे लिस्ट में निफ्टी 50 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी PSU स्टॉक, कोल इंडिया लिमिटेड। नो डाउट दोस्तों, कंपनी को लेकर कोई खराबी नहीं है, एकदम डेट फ्री कंपनी है, बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, साथ साथ कंपनी का रेवेन्यू या प्रॉफिट के अंदर भी काफ़ी अच्छा खासा में जो कि अच्छा जम देखने को मिला। आज के दिन पे इवन शेयर के अंदर करीबन 2% की तेज़ी भी देखने को मिला। दोस्तों आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जब मैं वीडियो पोस्ट किया था, आपको दिखाया था भी कि जैसे जैसे वॉर और ज़्यादा आप बोल सकते हो कि कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, कमोडिटी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को मिला। जो क्रूड ऑयल का प्राइस एकदम कुछ टाइम पहले करीबन $100 पर बैरल पर आ गया था, आज फिर से करीबन $120 पर बैरल के आसपास चल रहा है, ठीक। वो इसके साथ साथ कोल का प्राइस भी लगातार रेज हो रहा है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि कोल एक नेचुरल जो कि फ्यूल है, जिसका अवेलेबिलिटी दोस्तों दिन प्रतिदिन अभी रिड्यूस होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि एकदम कोल खत्म हो जाएगा, तो उस दिन आज नहीं, एक साल बाद नहीं, 10-20 साल 30 साल बाद, तो उस टाइम पे दोस्तों सारे जो कंपनीज है शिफ्ट करेगा कहाँ पे, रिन्यूएबल सेक्टर। तो आपको दिमाग में भी आ सकता है कि तो तब कोल इंडिया भी यहाँ पे रिन्यूएबल सेक्टर को शिफ्ट कर जाएगी, इसमें बड़ी बात क्या है? नहीं, उसके पहले से दोस्तों आप अगर देखोगे आज की डेट पे हमारा टाटा अंबानी अदानी ये सारे जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, तो ये सारे कंपनीज ने ऑलरेडी इसका मार्केट कैप्चर करके रखा है। ऑलरेडी रिलायंस ने भी काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट निकाला है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें दोस्तों कोल इंडिया का, आप चार्ट पर हम देख सकते हो लगातार गिरावट देखने को मिला है, बट हाँ ये बात भी साथ साथ सही है कि कंपनी डिविडेंड बहुत तगड़ा देता है, मतलब इतना डिविडेंड पे करता है आपको FD से तो ज़्यादा यहाँ पे डिविडेंड से आप कमा लोगे, लगभग 9.5-10% के आसपास डिविडेंड देता है। अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे लास्ट एक महीने पे आप देखिए शेयर के अंदर इस पर्टिकुलर लेवल यानी 190 के आसपास काफ़ी रेजिस्टेंस फेस किया था, अभी आज की डेट पे शेयर करीबन उसी लेवल के आसपास ही जाके कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया था। लास्ट 6 महीने पे आप देखिए शेयर लगभग 200 रुपये पहुँच गया था, उसके बाद देखिए सीधा सीधा गिरावट हुआ कहाँ पे, 140। लोग गलती करता है यही पॉइंट पे कि उनको लगता है कि शेयर अभी 200 रुपये के आसपास गया मतलब ये और ऊपर जाएगा, तो एक्चुअली हुआ क्या और गिर गया। तो ये जो आपको रिकवरी का मोमेंट दिख रहा है इस लेवल पे आप अगर डाउन पॉइंट पे मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि बाई किया था पहले, तो यहाँ पे आपको निकल जाने का बढ़िया मौका है। बट हाँ, आपको अगर डिविडेंड चाहिए तो डेफिनेटली यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट शेयर है दोस्तों यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल। ये भी एक PSU सेक्टर का कंपनी है जो कि आज की डेट पे ऑलमोस्ट 1% के आसपास हमें तेज़ी देखने को मिला था। लास्ट 6 महीने पे दोस्तों ये शेयर बम पर गिरा, इवन अगर हम बात करें 1 साल पे तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, 1 साल पहले लगभग यहाँ पे आप देख सकते हो 150 तक शेयर पहुँच गया था लास्ट ईयर मई के टाइम पे, उसके बाद क्या हुआ देखिए लगातार गिरावट। इवन अगर हम बात करें दोस्तों ऑब्वियसली मेटल सेक्टर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल सेक्टर रहता है, बट मेटल सेक्टर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा आप टाटा स्टील के अंदर कीजिए या तो JSW के अंदर कीजिए, ये दो बेस्ट कंपनियाँ इन्वेस्ट करने के लिए। बाकी अगर हम बात करें सेल का, सेल भी अच्छा कंपनी है बट रिटर्न्स का प्रोफाइल दोस्तों बहुत ही वीक है, बहुत ही पुअर है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा वॉलेटाइल। तो फिलहाल अगर हम बात करें सेल के अंदर भी अगर आपको थोड़ा और देख सकते हो कि आप 110-115 के आसपास पहुंच गया, तो डेफिनेटली आप अगर लोअर लेवल पे बाई किया सेल करके निकल जाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी PSU स्टॉक होने के नाते डिविडेंड बहुत ही सॉलिड पे करता है, लगभग 6% के ऊपर डिविडेंड डील है, तो डेफिनेटली ये इसके ऊपर भी मेरा सेलिंग का रिकमेंडेशन रहेगा। नेक्स्ट शेयर हमारे लिस्ट में अदानी पावर, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, अदानी पावर तो कोई PSU स्टॉक नहीं है, ये एक प्राइवेट सेक्टर का कंपनी है। बेसिकली अदानी पावर के अंदर लास्ट 1 महीने से बहुत ही शानदार यहाँ पे रिकवरी देखने को मिला, अगर आप देखोगे करीबन 13% की रिकवर हो चुका है। इवन 6 महीने पे देखिए शेयर जहाँ पे गिर गया था ऑलमोस्ट 100 रुपये के नीचे आ गया था, याद होगा आपको लास्ट ईयर पे क्या हुआ था, सुचेता दलाल जी की एक ट्वीट ने पूरा धजिया उड़ा दिया था पूरा अदानी ग्रुप का, लगभग उसके पहले 155-160 तक पहुँच गया था। यहाँ पे आप देखिए इसका जो 52 वीक्स हाई है लगभग 166 रुपये, उस लेवल से जब शेयर गिरा सीधा सीधा दोस्तों आधा हो गया शेयर,
मतलब आधा से भी कम, आप देख सकते हो 73 रुपये तक पहुंच गया। उसके बाद देखिए शेयर धीरे धीरे अभी ऊपर बढ़ रहा है। अभी ये शेयर के अंदर दोस्तों सेल करके निकल जाना बढ़िया है, क्योंकि देखिए अगर हम लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बट अदानी पावर रिन्यूएबल नहीं है। अगर आप देखोगे अदानी ग्रुप के अंदर ऑलरेडी वो अदानी ग्रीन के पास है, राइट। तो इस अदानी ग्रुप की अगर हम बात करें, मेरा तो फर्स्ट चॉइस रहेगा अदानी ग्रीन, बट ओवरऑल अगर हम बात करें सबसे बेस्ट कंपनी है वह टाटा पावर, नो डाउट टाटा पावर। तो ठीक है, मतलब यहाँ पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। तो जिस कारण दोस्तों अदानी पावर के अंदर अगर हम बात करें ये तेज़ी के पीछे एक्चुअल रीज़न था, ये मैं कल भी आपको शेयर किया था। बेसिकली जो अदानी पावर का अलग अलग 6 सब्सिडियरी कंपनी वो मर्ज हो रहे हैं अदानी के साथ, मतलब अदानी पावर के साथ, तो जिस कारण हमें ये तेज़ी देखने को मिला। तो अगर आपने लोअर लेवल पे, क्योंकि इस पर्टिकुलर लेवल पे अगर हम बात करें 100-110 रुपये पे बहुत लोग एंट्री लिया था, तो आप अगर एंट्री लिया था डेफिनेटली सेल करके निकल जाना। नेक्स्ट शेयर है यहाँ पे हमारे लिस्ट पे NMDC के अंदर भी आज के लगभग 4% के आसपास तेज़ी देखने को मिला। इसके अगर हम बात करें दोस्तों ये भी सेम टू सेम डिविडेंड बहुत सॉलिड पे करता है। आप अगर देखोगे इसे लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न पूरा का पूरा खत्म हुआ है शेयर। देखिए डिविडेंड लगभग 5% के ऊपर डिविडेंड मिल रहा है। तो बेसिकली PSU स्टॉक में ये एक फायदा कि डिविडेंड अच्छा देता है, बट कुछ मिले ना मिले डिविडेंड आपको मिलेगा, बट उसके चक्कर में दोस्तों आप क्यों अपना मेहनत की कमाई गवाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 200 रुपये तक पहुँच गया था, उसके बाद क्या लगातार गिरावट, और लास्ट एक महीने की अगर हम बात करें देखिए शेयर के अंदर कितना शानदार शार्प रैली देखने को मिला लगभग 11%। तो आप अगर लोअर लेवल पे बाई किया तो यहाँ पे भी मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा जितना जल्द हो सके सेल करके निकल जाइए, राइट। अगर आप डिविडेंड के लिए यहाँ पे होल्ड करना चाहते हो तो वो आपके ऊपर है, बट अगर आप रिटर्न्स पाने के लिए यहाँ पे रहना चाहते हो तो मैं बोलूँगा आप गलत शेयर में यहाँ पे एंट्री ले आए। नेक्स्ट शेयर दोस्तों पेटीएम के ऊपर तो मैं इसके पहले ना जाने कितना बार बताया था, बहुत लोग यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बाई फाई भी कर रहा था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसके अंदर बाई मत कीजिए, क्योंकि आज की डेट पे जो कंपनी का सिचुएशन है एकदम खत्म हो चुका है, मतलब खत्म मतलब क्या, इतना लॉस हो चुका है कंपनी का आज के दिन पे 9% की तेज़ी इसलिए देखने को मिला दोस्तों। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था कि पेटीएम इतना ऑल टाइम लो पे क्यों चला गया, बस मार्केट के ऊपर लिस्ट हुआ अभी पूरा एक साल भी नहीं हुआ, तो बेसिकली पेटीएम ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। तो जिस कारण दोस्तों हमें शेयर के अंदर आज के दिन में ये रैली देखने को मिला, बट ओवरऑल अगर हम बात करें कोई बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन देखने को नहीं मिला, वही लॉस मेकिंग कंपनी लॉस मेकिंग देखने को मिला और लॉस बढ़ता जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी ना पीछे हट पा रहा है ना कंपनी आगे बढ़ पा रहा है, आगे बढ़ पा रहा है तो लॉस और बढ़ रहा है, पीछे हट पा रहा है तो उसका मार्केट कोई और कंपनी, क्योंकि आज की डेट पर अगर हम बात करें ये फिनटेक कंपनी बहुत ज़्यादा मार्केट में आपको देखने को मिलेगा, ये पे वो पे गूगल पे अमेजन पे भारत पे हजारों कंपनी आपको मिल जाएगा छोटे बड़े। तो मार्केट एकदम जब खाली होगा तुरंत वहाँ पे भर जाएगा। तो जिसके कारण दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसके अंदर ये जो छोटा छोटा आपको तेज़ी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके पहले जब शेयर लगभग 500 के आसपास पहुँच गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो ऑल टाइम लो है 521 रुपये जो कि कुछ दिन पहले ही आया था, तो इस लेवल के आसपास अगर आपने बाई किया तो सेल करके निकल जाइए। बट हाँ, आपने अगर हायर लेवल पर बाई किया, ठीक है हायर लेवल पर बाई किया, उस केस में मत निकलना, वेट कीजिए जब शेयर के अंदर थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट में आ जाएंगे तुरंत सेल करके निकल जाना। मुझे नहीं लगता इसके अंदर आपको अभी जो इसका बिजनेस मॉडल है उसके ऊपर बेस करके मैं बोल रहा हूँ, अगर फ्यूचर में चेंज होगा तो मेरा भी डिसीजन डेफिनेटली चेंज हो जाएगा अगर कोई पॉजिटिव पार्ट हमें देखने को मिलेगा, बट फिलहाल जो सिचुएशन है सेल करना ही बेटर होगा। हमारे लिस्ट में लास्ट एंड फाइनल शेयर है दोस्तों पीवी फिनटेक, ये भी सेम टू सेम घिसापीटा शेयर है। यहाँ पे मार्केट में जब IPO लाया था बहुत मतलब यहाँ पे शोर फोर मच रहा था पेटीएम पॉलिसी बाजार, बट अल्टीमेटली उसके बाद मार्केट उसको धूल चका दिया। तो बेसिकली आज के दिन पे इसके अंदर लगभग 1% की तेजी लास्ट एक महीने पे भी आप देख सकते हो, काफ़ी शानदार रिकवरी हो चुका है शेयर के अंदर। तो ये बढ़िया मौका है कि आप अगर ग्राउंड लेवल पे शेयर को पिक किया यानी लोअर बेस पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे सेल करके निकल जाइए। इस टाइप की कंपनी के अंदर भी दोस्तों कोई भरोसा नहीं है, पूरा का पूरा लॉस मेकिंग कंपनी है। आप देख ही सकते हो दोस्तों लास्ट कंपनी का जब रिजल्ट आया था लगभग 300 करोड़ का लॉस, इवन अगर हम परसेंटेज वाइज देखा जाए लगभग 1400% का लॉस बढ़ गया था। साथ साथ कंपनी का नेट मार्जिन भी बहुत लॉस में और चला गया था, साथ साथ EPS के अंदर भी बहुत ज़्यादा हमें नेगेटिव देखने को मिला। तो बेसिकली ये सारे शेयर के अंदर आप यहाँ पे लॉस बुकिंग मतलब यहाँ पे सॉरी सेल करके निकल सकते हो, बट हाँ लॉस बुकिंग मत करना, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में हो तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हो। वीडियो के यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।